महापौर सीताराम जायसवाल के दावों की रियलिटी टेस्ट करने पहुंचे गोरखपुर न्यूज सूरजकुंड धाम परिसर में लगा पीपल का विशाल पेड़ जो साल भर पहले सूखकर जर्जर हो चुका है। महापौर के निर्देशित करने के एक हफ्ता बीतने के बावजूद सूखे विशालकाय पेड़ के दहशत के साए में लोग जीने को मजबूर हैं और इसके कटवाने के लिए जिम्मेदारों की राह देख रहे हैं। बताते चलें कि रक्षाबंधन के दिन सुबह पेड़ की एक शाखा के टूट कर गिरने की वजह से चबूतरे पर बैठे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। रक्षाबंधन के दिन ही एक बहन से उसका भाई बिछड़ गया। सूरजकुंड धाम परिसर में खड़ा पीपल का जानलेवा पेड़ जिम्मेदारों को चुनौतियां दे रहा है। दहशत के साए में जी रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि आला अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद अभी तक इस पेड़ को ठिकाने नहीं लगाया गया है। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि घटना के बारे में गोरखपुर न्यूज ने महापौर सीताराम जायसवाल को अवगत कराया था। महापौर ने जिम्मेदारी लेते हुए 3 दिन के अंदर जानलेवा पेड़ सहित महानगर के अन्य सूखे पेड़ों को काट कर ठिकाने लगाने की बात कही थी, लेकिन लगभग एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी सूखे पेड़ों पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व पार्षद अरविंद चौरसिया और सूरजकुंड धाम के पुजारी ने कहा, चाहे आपके पास जो इमरजेंसी गैंग है उसमें काटने वाले हो तो उससे कटवाइए, कब तक उसको कटवा लेंगे? 2-3 दिन में ऊपर आ जाएगा काम। शहरवासियों को बताना चाहता हूं कि मैंने आज ही यही को निर्देश कर दिया है कि सभी पेड़ 3 दिन के अंदर काट कर स्टोर में लाए जाएं। एक तो उसे हमको जाड़े के दिनों में लकड़ी की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति होगी और आम नागरिकों को खतरे से राहत मिलेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस पर जल्द ही कार्रवाई होगी और 3 दिन में के बाद कोई भी सूखे पेड़ इस शहर में दिखाई नहीं पड़ेंगे और आगे इस तरह की जो घटनाएं कल घटी है नहीं। अभी तक अधिकारी लोग नहीं दीजिए। अरविंद चौरसिया, पूर्व पार्षद। इस संबंध में आपको अवगत करा दें कि आज से 1 साल पहले यह वृक्ष सूख गया था। इस संबंध में हम लोगों ने लगातार लिखा पढ़ी किया गया, नगर आयुक्त ने DFO को आदेश किया कि आप इसको पेड़ कटवा दें। हम लोग DFO से मिलने गए, उन्होंने कहा कि साहब इसकी परमिशन दे दिया जाए और इसी बीच में ये सरकारी कामों के बीच में अधर में लटका रहा। आज रक्षाबंधन के दिन एक बच्चा मरा यहाँ पर और अगर ये पेड़ काटा नहीं गया तो निश्चित तौर पर इस पर कई लोगों की जान जाएगी। और आज इस संबंध में हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट से भी मिलकर फिर से मांग किया कि इस पेड़ को तत्काल कटाया जाए। कितने दिन बीत गए इस पेड़ को? रक्षाबंधन के दिन गिरा है, आज लगभग 8 दिन हो गया, 7-8 दिन। मेरा नाम रमेश चक पांडे है और हम तो कम से कम 4 साल। जो घटना घटी थी और उसके बाद अभी स्थिति क्या थी? बहुत जर्जर हो चुकी है, कभी भी हादसा हो सकता है और आपकी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, उस समय हम मौके पे थे, बीच वाली मंदिर पे हम मछली को दाना खिला रहे थे और सुबह 8:30 बजे की बात है कि अपने आप पेड़ चर्चा चर्चा और यहाँ पे वो शख्स बैठे हुए थे जिनका देहांत हुआ है और एक घायल हुए थे और अभी तक तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, पुलिस के लोग आए थे और उनको लेके गए अस्पताल।